धानों का आदर्श देव मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत विषय का पाठ 4 विद्यालय के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इसके हिंदी अनुवाद का अध्ययन करवाया, अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करें या कीजिए। अहम आवाम वयम, अहम का अर्थ है अहम, में आव हम दोनों हम सब, माम मुझे, आवाम आसमान, माम मुझे हम दोनों और हम सबको, कि मुझे हम दोनों को और हम सबको, मम मेरा, आवयो हम दोनों, अस्माकम हम सबका, त्वम तुम, और युवाम तुम दोनों, युवम तुम सब, त्वाम तुमको या तुम्हें, युवाम तुम दोनों और युष्मान तुम सबका, तव तुम्हारा, युवयो तुम दोनों और युष्माकम तुम सब। अब आगे चलें। प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुते, निर्देशानुसार परिवर्तन करो। कि अहम पठामि, जैसे इसमें विकर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, क्रिया का अर्थ है धातु, क्रिया कहो या धातु, ये की बात है। कि अहम पठामि, तो पठामि इसमें बहुवचन का प्रयोग करना है, कि अहम एकवचन है तो एक क्रिया भी एकवचन की हुई है, अहम एकवचन तो क्रिया पठामि भी धातु के एकवचन का प्रयोग हुआ है। ये अहम, अहम का अर्थ हो गया वयम, वयम पठामे, अहम आवाम और वयम, तो अहम का प्रयोग गया वयम, पठामि पठावे पठामे, तो वयम पठामे। अब है कि अहम नृत्यामि, अहम आवाम वयम, तो वैसे ही है वयम का प्रयोग होगा बहुवचन में, नृत्यामि नृत्यति नहीं सॉरी नृत्यामि नृत्यावे और नृत्यामे। अब है त्वम पठसी, त्वम एकवचन में है तो बहुवचन में क्या आएगा यहाँ, त्वम युवाम युवम, और पठसी पठसी जैसे पढ़ती पढ़ते पठंती, पठसी पठते पठत, बहुवचन में आएगा पठत। अब है युवाम क्रीडत है, अब युवाम तो इसमें एकवचन बहुवचन द्विवचन का प्रयोग किया गया है, अब हमें करना है एकवचन में, तो एकवचन में आएगा त्वम युवाम युवम, तो यहाँ आएगा एकवचन त्वम। क्रीडत है तो इसमें यदि एकवचन में करता है तो क्रिया आएगी या धातु आएगी एकवचन में, तो त्वम क्रीडसि क्रीडसि क्रीडत है और क्रीडत, ऐसे इसके रूप से लेंगे धातु रूप। अब इसमें बहुवचन पूछा है, और आवाम गच्छावे, तो आवाम तो अहम आवाम वयम, तो बहुवचन में होगी होगा वयम गच्छामे, और ये द्विवचन है, द्विवचन में आवाम गच्छावे, और बहुवचन में हमें करना है तो आएगा वयम गच्छामे। अब आगे है अस्माकम पुस्तकानि, इसको एक वचन में लिखना है, तो अस्माकम का एक वचन क्या होगा, मम 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 आवयो, मम आवयो अस्माकम, ऐसे रूप से लेंगे इसके, तो इसमें आएगा कि मम पुस्तकम, कि एक वचन में आएगा मम पुस्तकम, और बहुवचन में हो जाएगा इसका पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, और एक वचन में आएगा मम पुस्तकम। अब है तव गृहम, मतलब तुम्हारा घर, तव एक वचन है तो हमें क्या करना है, द्विवचन में प्रयोग करना है इसका, तो यहाँ क्या आएगा कि यो आएगा, तो तव
ग्रह में तो यो ग्रहे, ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी, ऐसे इसके रूप से लेंगे तो यहाँ क्या आएगा युवयो ग्रहे। अब हम आगे चले, प्रश्न नंबर 3। कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत, कि अब कोष्ठक से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्ठक से उचित शब्दों को सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अहम पठामि, तो इस जैसे अहम तो क्या है, ये रिक्त स्थान है, तो पठामि का प्रयोग आया है, तो पठामि एक वचन है, तो यहाँ वयम तो क्या है बहुवचन है, तो यह प्रयोग यह नहीं आएगा, तो क्या आएगा अहम पठामि। जैसे गच्छत है, गच्छति गच्छते गच्छन्ति गच्छि गच्छत है गच्छत, तो द्विवचन का प्रयोग है, द्विवचन मध्यम पुरुष द्विवचन, तो यहाँ क्या आएगा कि युवाम, तो ये द्विवचन है युवाम और ये है युवमन, बहुवचन का प्रयोग आया, तो यहाँ आएगा युवाम गच्छत है, तुम दोनों जा रहे हो या जाते हो। अब है एतत, एतत पुस्तकम, तो यह है मेरी पुस्तक है, तो यह है एकवचन है, तो यहाँ भी एकवचन का प्रयोग होगा, यह है मेरी पुस्तक है। युष्माकम क्रीडनकानि, यह तुम सबका खिलौना है, तो क्रीडकानि बहुवचन का प्रयोग आया, तो यहाँ क्या आएगा युष्माकम क्रीडनकानि। आवाम छात्रे स्व, कि हम दोनों छात्राएं हैं, तो क्या आएगा यहाँ आवाम, आवाम का प्रयोग आएगा यहाँ, हम दोनों छात्राएं हैं। ऐसा तव लेखनी, यह है तुम्हारी, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा तव कि यहाँ एक स्थान क्या आएगा, यह है तुम्हारी लेखनी है, तो तव यह तो ऐसा त्व लेख तव लेखनी, यह तुम्हारी कलम है। अब हम आगे चले, प्रश्न नंबर 3, नहीं सॉरी प्रश्न नंबर 4। क्रियापदे वाक्यानि पूरयेत, मतलब क्रिया पद या धातु का प्रयोग करो। कि अहम पठामि, जैसे अहम एकवचन है, तो यहाँ क्रिया भी एकवचन में आएगी, तो यहाँ होगा पठामि, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। तव त्वम, तो क्या आएगा इस यहाँ, यहाँ मध्यम पुरुष एकवचन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ आएगा त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, और तुम अब है आवाम गच्छ, आवाम हम दोनों जा रहे हैं, तो हम दोनों आवाम गच्छावे, क्या आएगा आवाम गच्छावे। यूयम, यूयम के साथ आएगा पश्यत, कि तुम सब देख रहे हो। अहम लिखामि, कि अहम के साथ मैं लिखता हूँ, अहम लिखामि। युवाम, मतलब तुम दोनों खेलते हो, क्रीडत वयम, वयम धा, वयम धावा में, हम सब दौड़ रहे हैं, क्या आएगा यहाँ हम सब दौड़ रहे हैं। अब आगे चले, ये है यहाँ दो बार प्रयोग हो गया। अब है पांचवा है कि उचित पदे वाक्य निर्माणम कुरुत है, मतलब उचित पद में वाक्यों वाक्य का निर्माण करो। कि एतत, इसके उदाहरण पहले यथा देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। ऐसा मम पुस्तिका, यह मेरी, यह मेरी पुस्तक है। एतत, मतलब एतत एक वचन का प्रयोग है, तो यहाँ भी क्या आएगा एतत मम गृहम, यह मेरा घर है, यहाँ मम का प्रयोग आएगा। आवयो मैत्री दृढ़ा, ये मित्रता दृढ़ है, कि हम दोनों की, तो आवयो हम दोनों की मित्रता घनिष्ठ है या दृढ़ है। ऐसे तो विद्यालय, ऐसे तो विद्यालय, तो यहाँ तव का प्रयोग आया, यह तुम्हारा विद्यालय है। ऐसा
मतलब यह है, ये तुम दोनों की अध्यापिका है, क्या आएगा युवयो, भारतम अस्माकम देश है, तो यहाँ क्या आएगा यह कि ये भारत हमारा देश है। एतानी युष्माकम पुस्तकानी, तो ये सब तुम्हारी पुस्तकें हैं, तो यहाँ युष्माकम का प्रयोग आएगा, ये तुम्हारी पुस्तकें हैं। अब आगे चले, अब है एकवचन से पदस्य, प्रश्न नंबर 6, एकवचन वचन पदस्य बहुवचनम पदम, बहुवचन पदस्य एकवचनम पदम च लिखत, कि इसमें बताया गया है कि जहाँ एकवचन पद का प्रयोग हुआ है वहाँ बहुवचन का प्रयोग करना है, और जहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है वहाँ एकवचन का प्रयोग करना है। अब करें कि ऐसे, ऐसे क्या है, एकवचन है, तो ऐसे का एक बहुवचन क्या होगा, जैसे ऐसे एतौ एते, ऐसे रूप चलते हैं, ऐसे एतौ एते, तो यहाँ एते क्या है एकवचन, सॉरी बहुवचन, ऐसे क्या है एकवचन है, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग करना है तो एते का प्रयोग आएगा। जैसे से, से क्या है एकवचन, तो यहाँ करना है बहुवचन का प्रयोग, स तौ ते, ते क्या हुआ बहुवचन का प्रयोग, ता, ता क्या है बहुवचन है, तो यहाँ करना है एकवचन का प्रयोग, तो सा ते ता, तो यहाँ आएगा सा। अब है एता, एता बहुवचन है, तो यहाँ करना है एकवचन का प्रयोग, ऐसा एते एता, ऐसा एते एता स्त्रीलिंग, सातेता ये भी स्त्रीलिंग है, स स तौते ये पुलिंग है, ऐसे एतौ एते ये भी पुलिंग का प्रयोग हुआ है। अब है त्वम, तुम क्या है एवचन, तो हमें यहाँ करना है बहुवचन, तुम युवयो युवयम, तो यहाँ आएगा युवयम। अब है अस्माकम, अस्माकम बहुवचन का प्रयोग है, तो हमें यहाँ करना है एवचन, तुम आवयो अस्माकम। अब है तव, तव क्या है एकवचन है, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग करना है, तो युष्माकम का प्रयोग, युष्माकम आएगा, युष्माकम आएगा, तव आवयो नहीं सॉरी तव युवयो युष्माकम। अब है एतानी, एतानी क्या है बहुवचन है, तत एतत एते एतानी, तो एतत एकवचन का प्रयोग होगा, ये नपुंसकलिंग का है। अब हम आगे चलें, अब है कि वार्तालापे रिक्तस्थानानि पूरयेत, कि वार्तालाप मतलब बातचीत से रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रिय प्रियम वदा, प्रियम वदा क्या करी है, शकुंतले संबोधित करी है शकुंतला, तुम किम करोसी, तुम क्या कर रही हो। शकुंतला ने कहा प्रियम वदे मतलब प्रियम वदा, अहम नृत्यामि, तुम किम करोसी, कि नृत्यामि आया है, तो नृत्यम पहले भी पहले प्रश्न में मैंने कहा था कि कर्ता, ये कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी क्या आएगी एक वचन का भी प्रयोग होगा, तो अहम एक, तो नृत्यामि क्या है एक वचन है, तो यहाँ क्या आएगा अहम, तो ये उत्तम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम, तो प्रथम पुरुष में है सहतौते, मध्यम पुरुष में होगा अहम नहीं सॉरी मध्यम पुरुष में होगा तुम युवाम युवम, और उत्तम पुरुष में होगा अहम अवाम वयम, तब ये है एकवचन, तो अहम नृत्यामि। अब है किम करोसी, तो यहाँ आएगा तुम किम करोसी, कि प्रियमोदा मैं नृत्य कर रही हूँ और तुम क्या कर रही हो। प्रियमोदा बोल रही है शकुंतला, शकुंतले अहम गायामि, किम तुमने गायसी, शकुंतला मैं गा रही हूँ और क्या तुम नहीं गा रही हो। गायसी का प्रयोग हुआ है तो तुम का उका, गायसी भी धातु रूप आया है, तो यहाँ मध्यम पुरुष एकवचन तुम आएगा, यहाँ गायामी है तो उत्तम पुरुष एकवचन अहम का प्रयोग होगा। प्रियो शकुंतला बोल रही है प्रियमोदा
उदे कपरी मुदा अहम न गायामि, मैं नहीं गा रही हूँ। अहम तू नृत्यामि, मैं तो नृत्य कर रही हूँ। प्रेमदा शकुंतली, शकुंतला किम तो माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नृत्य करी है या नाच रही है। शकुंतला बोल रही है आम हाँ मम माता अपि नृत्यति, हाँ मेरी माता भी नाच रही है या नृत्य कर रही है। प्रेमदा साधु आवाम, साधु आवाम चलावे, अच्छा हम दोनों चलते हैं, चलावे इसमें द्विवचन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ आएगा तो अहम आवाम वयम, तो आवाम द्विवचन का प्रयोग होगा, तो हम दोनों चले। अब प्रश्न पूरे भी कंप्लीट हो गए, धन्यवाद।